हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आप लोगों को पता होगा कि वृंदावन में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। वहाँ पे हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और यमुना में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी हो चुका है। बाढ़ इस तरह से आई हुई है, वहाँ पे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल चारों तरफ वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। आप देख रहे होंगे गलियों में किस तरह से पानी भरा पड़ा है, एकदम बुरी तरीके से। तो स्थिति ऐसी हो चुकी है, वहाँ पर लाइट कट चुकी है, घरों में बिल्कुल पानी घुस चुका है और वहाँ पे बिल्कुल खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा समस्या बनी हुई है। बिल्कुल वहाँ पर अब जनजीवन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। दोस्तों आप देख रहे होंगे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में किस तरह से पानी भरा हुआ है। पानी पूरी तरह से मंदिर मार्ग और गलियों में भर चुका है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के कहीं और पर जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग भूखे मर रहे हैं। माता का पानी, यमुना माता का पानी बहुत ही कहर मचा रहा है लोगों के लिए। बहुत लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा संकट में है, ये आप देख रहे होंगे। बिल्कुल बाइक वाले भी किस तरह से परेशान हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसे लोग अपना सामान उठा उठा के यहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसी के हाथ में चप्पल है तो किसी के हाथ में अपना सामान है, हेलमेट है, बैग है, सब यहाँ से लोग जा रहे हैं। क्योंकि पानी इस कदर लोगों के घरों में भर चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। एक दिन का काम नहीं है, लोगों के घरों में लाइट तक नहीं है, लोग क्या करेंगे किस तरह से। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। काली देह मंदिर पर भी पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अंगार घाट पर भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। केसी घाट पर भी पानी भरा हुआ है और दोस्तों सुदामा कुटी पर भी पानी पूरी तरह से भर चुका है। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पानी में भी परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप संभल कर रही हैं, इस तरह की भूल ना कीजिए। इस तरह का जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो भी समझा रहे हैं, उसका मानिए जरूर। बाढ़ का पानी ज़्यादा भर जाने की वजह से दोस्तों लोगों के पास खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। सामान नहीं है उनके पास, लोग भूखे मर रहे हैं। इस तरह से लोग कुत्ते, बिल्ली, गाय, वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी हेल्प करने के लिए अपना अपनी जान भी जोखिम में डालकर लोगों के पास खाना और पीने का पानी तक भिजवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर अपनी पर्सनल नाव लेकर, अपने पर्सनल लोगों को अपने इकट्ठा करके लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पे, कि जिससे कि लोग बाग भूखे ना मरे, भूख से ना मरे। मतलब बाढ़ का पानी तो एक अलग बात है, लेकिन कोई भूखा प्यासा ना मरे। गवर्नमेंट की तरफ से तो जो
यमुना में पानी कहाँ से आया था, हथनीकुंड से यह पानी छोड़ा गया था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो पहले तो हम दिल्ली के पहले तो दिल्ली में बाढ़ आई थी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आई थी। दिल्ली का राजघाट, लाल किला, बसड्डा तक पूरी तरह से डूब गया था। अब वृंदावन में यमुना माता का पानी पूरी तरह से घुस चुका है, जबकि बाढ़ इतनी भयंकर तरीके से आई हुई है। जल्दी से दोस्तों यमुना माता का पानी बिल्कुल शांत हो जाए और माता बिल्कुल पीछे हट जाए, लोगों का जनजीवन सही हो जाए, किसी की जान ना जाए, एकदम सब ठीक हो जाए पहले की तरह। हम यही कामना करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक अलग वीडियो के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं बाय बाय दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।